कर्मयोग, तो कर्म वो है जो तुम शरीर से करते हो ऐसा नहीं। तुम्हारी मन जो कर्म में रहता है वो हमेशा व्यस्त रहता है, वो भी कर्मों की अंदर है, वहाँ पे नियंत्रण होनी बहुत ज़रूरी है। अब और एक दूसरा योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग जो ट्रूथ जानने के लिए जो मार्ग है, सभी मार्ग ट्रूथ तक ही पहुंचाते हैं, लेकिन ये है माया क्या है, इल्यूशन क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में चर्चा होती है। कभी कभी इसके ऊपर फिलोसॉफी भी हो जाती है, बहुत सारे चर्चा में ही अटक जाता है, ईश्वर तक पहुंचना होता नहीं है। लेकिन बात यह है माया क्या है, इल्यूशन क्या है, वो जानना। जैसे हर दिन मृत्यु होती है, लेकिन इंसान समझते हैं मैं तो अमर हूं, मैं हर दिन जीता ही रहूंगा, या मेरा जो प्रिय ये रहता ही रहेगा, ये एक सर्व श्रेष्ठ माया की उदाहरण है। और एक योग है राजयोग, थोड़ी मिस्टिक टाइप है, यानी शरीर में क्या नारी है, क्या चक्र है, क्या अवस्थान है, उसी सब पकड़ के कैसे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ईश्वर अंदरूनी है, कौन सी कैसे श्वास लिया जाना चाहिए, ऐसे सब अलग अलग साइकिक मानसिक किस ढंग की ट्रेनिंग शरीर के साथ, नारी के साथ, ब्रीदिंग के साथ करे, ये सब जो रहता है ये राजयोग है। और एक है भक्ति योग, जो भक्त है उसको फिलोसॉफी का पता नहीं, कृष्ण कब था, कैसा था, ऐसा था तो क्या हुआ था, ये जब बोले थे उसका क्या क्या अर्थ निकाल सकते, नहीं जानता है। फिर वो अर्जुन को जब कहा था उसकी शरीर कैसे क्रियान्वित हुआ था, उनको ये खबर की कुछ खबर जानना जरूरी नहीं रहता है, वो प्रेमी रहता है, सिर्फ कृष्ण के नाम पे आंसू बहेगा उसको। ऐसा ही एक है ना, एक जन बड़ा जो उपनिषद या वेद कुछ पाठ कर रहे थे और उसके बाद गीता पाठ कर रहे थे, श्री कृष्ण के नाम बार बार आ रहा है, उधर एक मूर्ख इंसान इलिटरेट आदमी बैठा है, उसकी आंसू बह जा रहा है, बह जा रहा है। और जो गीता पाठ कर रहा है या जिसको सुना रहा है, वो दो तो एकदम बराबर कह रहा है, सुन रहे। समाप्त होने के बाद, पाठ समाप्त होने के बाद जो पाठ कर रहे थे उन्होंने पूछा, तुम्हारी इतनी आंसू बह रहा था, तुम कुछ समझा क्या? बोला, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप बार बार श्री कृष्ण के नाम ले रहे थे तो मेरा बार बार आंसू भी पड़ते। एक्चुअली देखा ये गया, कौन से भी योग से जाओ, कौन से भी माध्यम से जाओ, मन अगर प्रेमी ना हो, भक्त ना हो, तो ईश्वर प्राप्ति बहुत मुश्किल होती है।